Assalamu alaikum, my dear students. So, alhamdulillah, with the grace of Almighty, we have reached to the last topic of thermodynamics, that is Carnot's engine. So, as far as this engine is concerned, I want to tell you that it is very much important from entrance point of view. But as far as the board point of view is concerned, this very topic is not in your board syllabus. But I cannot ignore its importance इन एंट्रेंस, सो इसलिए मैं इसको पढ़ाने वाला हूं, आप अच्छे से समझोगे। तो ये जो सॉडी कैरनॉट था, तो इसने क्या किया, इसने थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस को बहुत पेचीदगी से स्टडी किया, इन डेप्थ इनको स्टडी किया, और इसने चाहा कि इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से इन प्रोसेसेस को हम वी विल रियलाइज देम, ही रियलाइज देम, He applied such processes in practice. उसने चाहा कि मैं इन processes को किसी device, किसी system पे apply करूं। लेकिन Carnot engine के बारे में पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूं बेटा, वो आप ध्यान से सुनोगे। ये जो Carnot engine है, ये आप दुनिया में कहीं नहीं पाओगे। It is nowhere in the world. Why? Because this engine cannot be realized in practice. That's why it is known as ideal heat engine. Which engine? Ideal का मतलब क्या होता है? जैसे ideal gas, क्या ideal gas अगर ऐसे देखा जाए, क्या ideal gas exist होता है? नहीं, हाँ, कुछ conditions पे real gas कभी कभी ideal gas behave करता है, लेकिन बराबर ideal gas नहीं होता है. Real gas can reach towards the ideality, but cannot reach 100% towards the ideality. So, कोई भी चीज, जब हम क्या कहते हैं, real gas behaves as ideal gas. At what? At low pressure and at high temperature, but it behaves, it has not reached to the ideality. So, ऐसे ही ये जो Carnot था, इसने device किया. You know, there is a difference between the two terms, design and device. Design हो गया कि आपने theoretical part एप्लीकेशंस में लगा दिया, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और अप्लाइड फिजिक्स, इज दैट क्लियर। लेकिन एक और चीज, डिवाइस का मतलब हुआ, आप सोचते हो अगर दुनिया में, जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होती, अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती। लेकिन इसमें जो अगर आ गया, जैसे फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन के बगैर दुनिया है? क्या किसी ऐसे कुछ ऐसी चीजें जिनके बगैर दुनिया, कायनात चलती नहीं है? लेकिन डिवाइस का मतलब यही होता है कि डिवाइस में एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट क्या करता है, आइडियल कंडीशन सोचता है। वो क्या सोचता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वैसा नहीं होगा, तब मेरे पास जो डिजाइन होगा, तब मैं उस चीज को डिवाइस करके, डिवाइस करने के बाद उसको क्या कर सकता हूं, डिजाइन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म डिवाइस एंड डिजाइन। डिवाइस मींस यू आर एक्चुअली थिंकिंग, आप क्या कर रहे हो, आप ख्वाबों ख्यालों में सोच रहे हो, काश ऐसा ना होता, ऐसा ना होता तो मैं ऐसा इंजन बनाता, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। तो ऐसे यहां पे डिवाइस और डिजाइन में फर्क है। डिजाइन में आप जो आपके पास है, जो सिचुएशन है, वो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। डिवाइस जब आप बोलते हो, उसमें आप कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि लेट अस अज्यूम दिस थिंग इज नॉट देयर, लेट अस अज्यूम दिस पैरामीटर इज एब्सेंट हियर, दिस पैरामीटर इज मिसिंग हियर, तो फिर आप उस चीज को डिजाइन करना चाहते हो। तो Carnot इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। यू कैनॉट रियलाइज इट इन प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि इसने इसमें ऐसी conditions रखी जो इन रियल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे पहली कंडीशन, इसने इस इंजन को रिवर्सिबल हीट इंजन मान लिया। इसने कहा ये इंजन, ये साइकिल कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। बट यू नो यू कैनॉट रीच टू द 100% रिवर्सिबिलिटी। जैसे अगर प्रोसेस ए से बी इस पाथ के थ्रू जा रहा है, लेकिन अब नाउ इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रीच फ्रॉम बी टू ए बैक अलोंग द सेम पाथ, आप वैसे ही चीजें वापस नहीं ला सकते हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस पहले ही आइडियल कंडीशन है,
और रिवर्सिबल प्रोसेस डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में आप नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ इफेक्ट सराउंडिंग्स पे पड़ता है। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग दिस पाथ, देन यू कैनॉट गो फ्रॉम बी टू ए अलोंग द सेम पाथ, देयर विल बी सम चेंज। ए से बी, फिर बी से ए में सेम फर्क या सेम पैरामीटर्स नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ चेंज आई होगी। सो पहली ही आइडियल कंडीशन इसने क्या रखी, दैट दिस डिवाइस इज रिवर्सिबल। और बाद में उसने कहा कि इस इंजन में कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो रहे लाइक आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में पता है प्रोसेस शुड बी स्लो, कॉस्ट स्टैटिक, और उसमें भी ऐसी कंडीशंस हैं जो 100% पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कैरनॉट इंजन को आइडियल हीट इंजन कहते हैं। और अगर ऐसा इंजन रियलाइज होगा, डिजाइन होगा, तो इस इंजन से ज्यादा एफिशिएंट कोई भी नहीं होगा दुनिया में होगा, बिकॉज इसने एक आइडियली सोचा, आइडियल सिचुएशंस रखी, आइडियल कंडीशंस रखी। इंजन इज रिवर्सिबल, पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शन, इंजन इज साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस। और इसने बहुत सारी आइडियल कंडीशंस रखी। तो आइडियल कंडीशंस रख के आप सोचो, जब वैसा इंजन अगर डिजाइन होता तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता। तो यही से एक थ्योरम निकलती है, कैरनॉट्स थ्योरम। वो क्या कहता है कि कैरनॉट थ्योरम के हिसाब से कैरनॉट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट कोई भी इंजन नहीं हो सकता। नो इंजन कैन बी एफिशिएंट देन कैरनॉट्स इंजन। लेकिन बट यू नो, कैरनॉट इंजन इज ए थ्योरेटिकल इंजन। कैरनॉट इंजन is not a practical, it doesn't have the practical shape, it was not realized in practice, it was devised, it was not designed, it was devised. उन्होंने कहा था ऐसी कंडीशन अगर होगी, वैसी कंडीशन अगर होगी, तो मैं जो इंजन बनाऊंगा उससे ज्यादा एफिशिएंट कोई भी इंजन नहीं होगा। तो क्या होता इसमें, क्या क्या हो रहा था बेटा, इस इंजन में चार प्रोसेसेस हो रहे थे। कितने प्रोसेसेस हो रहे थे बेटा? चार। पहले क्या हो रहा था इसमें, पहले इस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा था। विच एक्सपेंशन? आइसो थर्मल एक्सपेंशन। ओके, आइडियल कंडीशन क्या क्या है इसमें? प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड यस, पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। So, पहले क्या हो रहा था इसमें? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ग्राफिकली या इंडिकेटर डायग्राम बेटा अगर इसकी बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? शाबाश, क्या करेगी बेटा? आई विल मेक ए डायग्राम हियर, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। ओके, तो क्या हो रहा है? से दिस इज द इनिशियल स्टेट ए। ओके, एट दिस इनिशियल स्टेट इट इज प्रेशर इज P1, it is volume is V1 and it is temperature is T1. Okay, now क्या हो रहा है? पहले इस कैरनॉट साइकिल में, कैरनॉट इंजन में पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नाउ यू नो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, बट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और ये प्रोसेस स्लो होता है तो इसका स्लोप उतना स्टीप पर नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी बेटा ये डिस्कस किया है, ये स्टीपर नहीं होगा, इसका स्लोप कम होता है। बिकॉज व्हेन प्रोसेस इज स्लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम विल बी लेस। सो फिर शाबाश, नाउ इट हैज रीच टू द पॉइंट बी। नाउ टेल मी यहां पर क्या होगा? इट इज प्रेशर विल बी डिफरेंट से P2, इट इज वॉल्यूम विल बी डिफरेंट से V2, बट इट इज टेम्परेचर विल बी सेम P1। सो दिस इज नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आप मुझे बताओ, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा उस दौरान क्या होगा? उस दौरान ये सिस्टम, ये इंजन हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेट इट हैज एब्जॉर्ब्ड Q1 अमाउंट ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? नाउ दूसरा प्रोसेस, जब एक्सपेंशन हो गया उसके बाद बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। पहले एक्सपेंशन ही होता है, लेकिन पहला एक्सपेंशन आइसोथर्मल होगा और उसके बाद जो एक्सपेंशन होगा दैट विल बी एडियाबैटिक। दैट विल बी व्हाट? एडियाबैटिक। नाउ टेल मी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन यू नो
एडियाबैटिक स्लोप इज स्टीपर देन आइसोथर्मल, तो इसका स्लोप में थोड़ा स्टीपर बनाऊंगा ऐसे बोलते. ओके सो हियर व्हाट प्रोसेस इज हैपनिंग, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एंड यू नो इन एडियाबैटिक प्रोसेस नीदर द हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम नॉर द हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम. सो इस दौरान क्या होगा, याद होगा आपको बेटा मैंने व्हाइल स्टडिंग दिस प्रोसेस आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज. सो प्रेशर भी चेंज होगा. लेट इट इज प्रेशर हियर इज P3, लेट इट इज वॉल्यूम हियर इज V3 एंड लेट इट इज वॉल्यूम हियर इज T2. एनी कंफ्यूजन्स? सो नाउ एक्सपेंशन हो गए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन शुरू होना होगा. लेकिन पहले कौन सा कॉम्प्रेशन होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन. ओके सो नाउ टेल मी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा बट नॉट एट दैट रेट, क्योंकि पता है आइसोथर्मल कर्व उतना स्टीपर नहीं होता है. ऐसे होगा बेटा, ठीक है, जितना इसका स्लोप है उतना ही इसका होगा. सो से दिस इज सी, दिस इज डी. नाउ टेल मी यहां पर प्रेशर, कंप्रेशन के दौरान प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई फर्क? सो सी पे जो टेम्परेचर है वही डी पे होगा. सो हियर द प्रेशर विल बी P4, यस, वॉल्यूम विल बी V4, यस, बट टेम्परेचर विल बी T2, क्योंकि यहां पे भी T2 है तो यहां पे भी. So this is here isothermal compression. And you might remember while studying the isothermal process, I told you कि जब compression होगा isothermal, उस दौरान heat evolve होगी. जब isothermal expansion होगा, उस दौरान heat absorb होगी. So during this process, heat will be evolved by the system. Is that clear? So let Q2 amount of heat is evolved by the system. Now after that, the last process which is happening in this, it is adiabatic compression. क्या होगा बेटा, adiabatic compression. तो आप खुद ही सोचो कितना मुश्किल है कि इन processes को करवाना. isothermal पहले ही already slow है, उसमें कोई भी heat या adiabatic में कोई heat enter नहीं होनी चाहिए, बट 100% इंसुलेशन इज नॉट पॉसिबल. सो बहुत ऐसी चीजें इस इंजन में थे कि जो प्रैक्टिकली रियलाइज या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे, तो उस वजह से इसको हम ऐसे नहीं बना पाए. सो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, लेकिन इससे क्या हुआ, अब किसी का क्वेश्चन होगा फिर क्यों इसने ये बनाया. हम क्या करेंगे, कभी हम आइडियल कंडीशन इसलिए रखते हैं ताकि हम उस आइडियलिटी के क्लोज आ जाए. क्या आ जाए, जैसे हमारा कोई आइडियल होता है, हम बराबर उसके नहीं हो जाते, बट वी वॉन्ट टू बी क्लोजर, वी वॉन्ट टू बी सिमिलर टू हिम. समझ आ रहा है, जैसे लाइक समवन्स रोल मॉडल, समवन्स आइडियल इज से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो वी कैन नॉट रीच, हम उसके मुकाम नौजुबिल्ला हम वहां नहीं पहुंच सकते, बट वी आर ट्राइंग टू रीच, हम चाहते हैं कि हम उसी के क्लोज आ जाए, बट वी कैन नेवर रीच टू दैट. दैट इज ऑल्सो नोन एज सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन जिसको कहते हैं, मॉडलिंग जिसको कहते हैं. हम चाहते हैं कि हम उसके पैरामीटर्स के क्लोज आ जाए. ऐसे ही अगर ये आइडियल इंजन बन गया, ये कोई फजूल काम नहीं था, इससे हमने क्या किया, हमने ये आइडियल केस लिया, और अब जो भी इंजन बनेंगे वो इसी के क्लोज आने चाहिए, वो इन्हीं के इसी के क्लोज आएंगे, बराबर इसके नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी इंजन डिजाइन हो दे शुड बी वेरी मच क्लोजर टू द इंजन विच वॉज डिवाइजेड बाय द कैरनॉट. सो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, क्या होगा कॉम्प्रेशन में, ये हो जाएगा यहां पे कॉम्प्रेशन. तो देखो बेटा, नाउ अल्टीमेटली यहां पर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हुआ, उसमें अब सिस्टम अपने स्टेट पे वापस आ गया. सो अगेन इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. यू माइट रिमेंबर इन साइक्लिक प्रोसेस वट एवर हीट इज एब्सॉर्ब्ड, देन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. सो ओवरऑल जो नेट हीट होगी वो किसमें यूज होगी, इन द वर्क ऑफ एक्सपेंशन और इन डूइंग द वर्क. सो बाद में इसमें कैलकुलेशंस को आप यहां पर हम
कैलकुलेशंस नहीं लेंगे, आप खुद भी कर सकते हो. एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड आई कैन शो यू सर्टेन कैलकुलेशंस हियर. नाउ आप क्या करोगे, आप ए से बी क्यू वन ले रहे हो, तो बताओ क्यू वन आइसोथर्मल में जो हीट देते हो वो किसमें यूज होती है, वर्क में. सो यू विल राइट क्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन. ओके, सो किसके बराबर आएगा, 2.303 एन आर टी वन लॉग टू द बेस 10 वी टू बाई वी वन. यू माइट रिमेंबर दीज थिंग्स. देन हियर क्यू टू, बोलो ये किसके बराबर आएगा, माइनस डब्ल्यू टू या इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी यस टू लॉग टू द बेस 10 वी फोर बाई वी थ्री. इज दैट क्लियर? या अगर माइनस नहीं लिखोगे तो मसला नहीं है, तब भी ये वी फोर तो कम है वी थ्री से, तो नेगेटिव ऑलरेडी आ जाएगा. ठीक है, सो क्यू वन क्यू टू निकला. नेट हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी, यू विल सब्ट्रैक्ट देम. देन आपको यहां पर क्या करना है, इसमें और भी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट हियर. ओके, आई वांट टू मेक इट क्वाइट सिंपल, बट अगेन आई एम टेलिंग इफ समवन इज इंटरेस्टेड आई कैन डू इट विद इन मिनट्स. अगर किसी को भी दिखाना हो मैं उसको वीडियो शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, वहां पर मैं कैलकुलेशंस भी इसकी दिखा सकता हूं ये कैसे करते हैं. तो फिलहाल हमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा. सो इस साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है कैरनॉट की, नीटा से दिखाते हैं, वो बराबर होगी 1 - T2 / T1. अगर परसेंटेज में देखनी है मल्टीप्लाई इट बाई 100%. नाउ आप मुझे बताओ, तो ये जो एफिशिएंसी निकली ये किसकी एफिशिएंसी निकली, कैरनॉट इंजन की. तो क्या कोई भी इंजन अगर आप ऑपरेट करोगे बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T1 और कैरनॉट को भी इन्हीं टेम्परेचर पे रखा है T2 और T1, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा, कैरनॉट. क्योंकि कैरनॉट थ्योरम यही है कि कोई भी इंजन कैरनॉट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता. और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि अगर आप चाहते हो फॉर कैरनॉट इंजन टू बी 100% एफिशिएंट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ T2? यस, बिकॉज टेम्परेचर इज हियर आर इन एक्सक्यूज मी. सो फॉर नीटा टू बी 100%, सो व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स. एंड हियर फिर से ये जो सोर्स है इसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत होती है, यानी कि ये कितनी भी हीट प्रोवाइड करे इसके टेम्परेचर में फॉल नहीं होता है. T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, और हमने ये जो सिंक है इसकी भी कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी इनफिनाइट रखी है. उसका मतलब क्या हुआ, ये कितनी भी हीट एब्जॉर्ब करे इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इस कैरनॉट ने बहुत सारी आइडियल कंडीशंस रखी थी. तो फॉर नीटा टू बी 100% T2 शुड बी 0 केल्विन. सो दैट मीन्स सिंक को किस टेम्परेचर पे रखना है ताकि कैरनॉट इंजन क्या बन जाए 100% एफिशिएंट, सिंक को किस टेम्परेचर पे रखना है, 0 केल्विन. कैन यू इमेजिन व्हाट 0 केल्विन मीन्स, कैन यू इमेजिन -273.15. सो कैन यू रीच टू दिस टेम्परेचर, प्लीज थिंक प्रैक्टिकली, कैन यू रीच टू द 0 केल्विन. इवन इफ यू रीच टू द 0 केल्विन, कैन यू मेंटेन दिस टेम्परेचर, no. So when you cannot reach to the 0 Kelvin, when you cannot maintain this temperature, then you cannot have the Carnot engine 100% efficient. So even aapka Carnot engine bhi 100% efficient nahi hai. Furthermore ye neeta ye jo efficiency Carnot engine ki hai working substance ke nature pe ye depend nahi karta hai. Aur ek baat is Carnot ne kaha, jo yahan gas maine use kiya that is a perfect gas, that is an ideal gas. Again this is an ideal condition, that's why this engine is known as ideal heat engine. So baad mein in the next lecture I will discuss some numericals based on this Carnot engine. Please stay with us. So isme bahut sari numericals hain. So stay with me. I will show you very much important numericals from which are much important from competitive point of view. So isliye aap connect raho aur aap isko acche se practice karo. कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो प्लीज यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी. सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू द रिस्पॉन्स. सो थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.